नमस्कार, मैं बाबा अनिल अनिल मजुमदार। आज मैं अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने, मतलब 6 साल से लेके 8-9 साल तक के बच्चों के एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये ओनली फॉर किड्स। हाँ, बच्चे भी चाहे, बड़े भी चाहे, बुजुर्ग भी चाहे तो उसमें मनोरंजन कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक कहानीकार भी हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। आपने देख ही चुके होंगे, बड़े लोग तो देख चुके होंगे, छोटे बच्चों के लिए पहला मौका है। हाँ तो बच्चों, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े जंगल से, बहुत बड़ा जंगल, उसमें हर तरह के जानवर रहते हैं। बाघ है, चिड़िया, भालू, भेड़िया, लकड़बग्घा, छोटे छोटे खरगोश, लोमड़ियाँ, सियार, चिड़ियों में छोटी छोटी चिड़ियाँ, बड़ी बड़ी चिड़ियाँ, बहुत बड़ी चिड़ियाँ, गिद्ध, चील, ये सब रहते थे, बसेरा करते थे। और कौवे तो बहुत ही थे, कौवे तो मुझको बहुत पसंद है, बहुत ही थे। अब मैं आपको सुनाता हूँ जंगल की एक कहानी। एक बार जो है जंगल में बाढ़ आ गई। बाढ़ जैसे भाई पहाड़ी नदियाँ उफनाती हैं, तो वो जंगल में तो कोई बांध वाल बना नहीं होता, सब छोटी छोटी नदियाँ या नाले होते हैं, तो पानी लबालब भर जाता, वो सतह में फैलने लगता है, तो उसे जानवरों को बहुत मुसीबतें हो जाती हैं ना बच्चों, बहुत मुसीबतें हो जाती हैं। बेचारे को खाना नहीं मिलता, जो मांसाहारी हैं वो भी नहीं बेचारे खा पाते, जो शाकाहारी है तो उनके लिए घास फूस और पत्ते सब जो है वो क्या कहते हैं, मतलब पानी पानी हो जाता है। बंदर वगैरह पेड़ों पर बेचारे ऊपर बैठे, लंगूर बंदर सब पेड़ों पर ऊपर बैठे रहते हैं, नीचे उतर नहीं पाते, सब बोर हो जाते हैं, है ना। पानी बहुत दिनों तक रुका रहता है, फिर पानी घटता है तो फिर दलदल हो जाता है, फिर गंदगी हो जाती है, समझे ना। इस तरह से जो है क्या कहते हैं, वहाँ पर बहुत ही मतलब विकट हो जाता है। तो बहुत ज़ोर से बाढ़ आई थी तो जंगल डूबने लगा, बड़े बड़े हाथी हाथी जो है ऊंचाई पर जाके चढ़ गए, छोटे छोटे जानवर अपने अपने हिसाब से अपने अपनी जगहों पर सुरक्षित होने लगे। कुछ बेचारे नहीं पहुंच पाए तो वो बेचारे मर ही गए, है ना। ये सब देख के जंगल के राजा शेर को बहुत दुख होता था, भूखा तो वो भी था लेकिन दुख होता था कि मेरा ऐसा राज है और उसमें इस तरह का, तो वो बेचारा दुख के दिन काटने लगा। धीरे धीरे करके पानी कम होने लगा, कीचड़ होने लगा, फिर कीचड़ भी गर्मी पड़ने लगी, कीचड़ भी सूख गया, फिर से पेड़ पौधे निकलने लगे, घास फूस, वातावरण फिर से अच्छा होने लगा, फल वल निकलने लगे, फूल खिलने लगे, जंगल का एक माहौल ही फिर से बदल गया। जंगली जानवर फिर अपने अपनी जगह से जहाँ छुपे बैठे थे सब आने लगे, अपने अपने मौज मस्ती करने लगे। तो जंगल के राजा ने सियारों की एक टोली से कहा कि सबको बुला के लाओ, आज मैं अपने प्रजा को कुछ कहना चाहता हूँ। तो जंगल का राजा शेर ने बुलाया है तो सियारों की टोली पूरे जंगल में इधर उधर हु हु हुआ 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 करते सबको अपने बात बताने लगे कि जंगल के राजा ने बुलाया, सब पहुँचे। जंगल के राजा ने कहा कि देखो भाई, हम लोग पर हर साल कुछ ना कुछ मुसीबतें आ जाती हैं, कभी जंगल में आग लग जाती है, कभी इतना पानी हो जाता था कि बाढ़ आ जाती है, हम लोग सब खाने को मोहताज हो जाते हैं, दाना भी नहीं बचता खाने को कि वो करें, तो कुछ ऐसा काम करें। और मैं तो इस ज़िंदगी से बहुत बोर हो चुका हूँ, मुझको अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने प्रजा में से किसी को पकड़ के खा जाऊँ, और कितना खाऊँगा, है ना। अब मान लो, उन लोगों से कहता है राजा कि मान लो कि मैं किसी तगड़े से भैंस को मारता हूँ। अब भैंस जो है 400, 500, 600 किलो का होता तो उसमें से मैं कितना ही खा जाऊँगा, बाकी सब सड़ा करता है, प्रदूषण फैलता है, जंगल का वातावरण ख़राब होता है, ये है कि गिद्ध विद्ध आके चील आके खा जाते हैं, लेकिन वो भी कितना खाएं, तो वो नष्ट हो जाता ना, एक प्राणी पूरा नष्ट हो जाता है। तो हमने ये सोचा है, आप लोग की क्या राय है,
कि जंगल में हम लोग एक जगह देख के, सुरक्षित जगह देख के खेती बाड़ी करेंगे, है ना। ये जो हमारी चिड़ियाएँ हैं ये खेतों में निकल जाती हैं, वहाँ से दाने चुक चुक के आती हैं, वन चिड़ियाओं से कहोगा जितना अपना भेट पेट भर पाए भर पाए, बाकी जो है दानों के लिए जो ये हमारे मनुष्य जो है जंगल के बाहर जो रहते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो खेतों में दाने छूट जाते हैं, उनको इकट्ठा करके ले आए। हम लोग उसी से करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या करते हैं हम लोग मनुष्यों जैसा जीवन बिताए। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं जो हूँ मांसाहार खाना छोड़ दूँ, गोश्त खाना छोड़ दूँ, मैं भी जो हूँ पकी पकाई रोटियों और सब्जियों का आनंद लूँ। तो मैं तो यदि जंगल में जंगल से बाहर निकल के जाऊँगा तो इंसान हमें देख के बहुत डरता है, वो तुरंत हमको मार डालेगा जान से, है ना। छोटी छोटी चिड़िया हैं ये तो रोज ही जाती हैं, तो ये चाहे तो मदद कर सकती हैं, ये दाना अपना चुगे और साथ में यहाँ के लिए ले आए। एक बैंक में बना दे रहा हूँ, जितनी चिड़िया खाएगी वो जो है कुछ दाना इकट्ठा करके उस बैंक में डाल देगी। तो इस तरह से हमारे पास खेती लायक अनाज हो जाएगा, हम लोग उसको बोलेंगे और जो है उसके। हाँ जी, अब दिन आ गया, बहुत खुशकिस्मत कि ऐसा राजा मिला जिसने सबको एक नज़र से देखा, सबको अपने बराबर समझा, सबको काम बांट दिया, सबने काम किया और खुशी का दिन। पहले दो चार रोटियां ख़राब हुई लेकिन भैया फिर मतलब चूँकि हाथ पैर से बंदरों के होते हैं तो बंदरियों ने कहा जिम्मा संभाल लिया, 100 बंदरियां लग गई और सबने मिलजुल के फटाफट फटाफट रोटियां बना के उसको सेंक के रोटी अब जैसी भी बनी हो, यहाँ के आपकी मम्मी आपकी चाची आपकी नानी आपकी भाभी जैसे तो बन नहीं सकती ना, तो उन्होंने जिस तरह से बनाया अच्छी तरह रोटी बनाई, दाल भगोने में दाल चढ़ा दिया, दाल भी बन गया, सब्जी भी उन्होंने सब सीख साख के आए थे चुपचाप देख देखते देखते वो भी सब कर लिया, है ना। कुछ आदमियों से कम थोड़ा ना होते, सब हो गया। होने के बाद भैया फिर राजा ने कहा, सब मुआयना किया, राजा बहुत खुश हुआ, ने कहा मैं बहुत खुश हूँ, अब जो है मैं ये प्रण करता हूँ कि मैं जो हूँ जानवरों को नहीं खाऊंगा, यही आप लोग जो बनाएंगे वही खाऊंगा, यदि मैं भूखा रहता हूँ तो कुछ और भी खा लूँगा लेकिन मैं जानवरों को नहीं खा लूँगा। सबने जय जयकार किया। फिर राजा ने कहा कि देखो आप जो है शाम के 3 बजे है नहीं वो गया चौक, शाम के 3 बजे मैं जो हूँ यहाँ पर लंच रख रहा हूँ, है ना, आप लोग सब लंच में हैं, आप लोग खाना खाइए मेरे साथ। सब लोग मतलब चले गए अपने अपने घर में और मतलब अपने अपने काम में लग गए। उसके बाद शाम को सब इकट्ठा हुए, है ना, और बहुत ही बातों अच्छा था, सबको सबके हिसाब से खाना दिया गया, जितना ही बना था सब में बराबर बराबर बांटा गया और सबने पेट भर के खाया और खूब धूम धड़ाके से वो किया। राजा ने कहा देखो आज तो ये पहला दिन है, इसके बाद सब अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे और खाना तैयार करके फिर अपने अपने घूमने घामने जहाँ जाना चाहे जाएंगे और ठीक दोपहर में एक टाइम निर्धारित होगा आके खाएंगे, रात में एक निर्धारित टाइम होगा आके खाएंगे और उसके बाद जैसा भी जैसे ज़िंदगी हम लोग की चल रही वैसे चलेगी। हाँ, बांध बनाने के लिए जो है अगली बरसात ना शुरू हो जाए तो इसलिए जो है उसके पहले बंधा हम लोग बना लेंगे जिससे यहाँ पर पानी ना आए और हम लोग जो है सुखी जीवन है। तो बेटे ये कहानी मैंने इसलिए आप लोग को सुनाई है कि आप लोग भी शाकाहारी बनिए और जो जंक फूड है इसको ना खाइए, जैसे पिज्ज़ा वगैरह है ये सब या मैगी वगैरह, उसकी जगह दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, समझो या समझाओ थोड़े में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ बच्चों ये कहानी आपको पसंद होगी, इसके बाद भी मैं अच्छे अच्छे साइंस थ्रिलर
और जो है एडवेंचर, ऐसी कहानियाँ आपके सामने, ये तो मैंने पहले सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए दी है, कैसी लगी ये आप मुझे बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।